साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार महतोसर चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी यूनिट डिजिट नंबर 2 अंक का जो नंबर से उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इसका एक बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा और आप चुटकियों में निकाल सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ऐसे ही 15 का स्क्वायर निकालना है यूनिट डिजिट नंबर का। तो आप देख लीजिए, आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। ऐसे ही देख लीजिए 25 का स्क्वायर निकालना है आपको, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 6, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। ऐसे ही 35 का स्क्वायर कर दीजिए, 35 का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 का कितना होगा 12, ये भी हो गया। ऐसे ही निकालिए, 45 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 के बाद क्या आता है 5 और 5 4 का कितना होगा 20, ये भी पता चल गया। ऐसे ही निकालिए, 55 का निकाल दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 ओके और 5 के बाद क्या आता है 6 और 6 5 का कितना होता है 30, ये भी निकल गया। ऐसे ही 65 का निकाल दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 के बाद क्या आता है 7, 7 6 का कितना होता है 42, ये भी निकल गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए 2 डिजिट में 5 होना चाहिए, उसका आप आराम से इजी तरीके से बेस्ट तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।